आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, हमारे जांबाज साथी वहां रात और दिन अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रामगोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी, संचार विभाग के अध्यक्ष माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, सूर्यमणि मिश्रा जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, असलम भाई यादव जी, शिव सिंह ठाकुर जी, कुलदीप शर्मा जी, विजय बघेल जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष इम्तियाज हैदर लड्डू जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष नारायण कुर्रे जी, महासमुंद के अध्यक्ष दुर्ग, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष, फिर सब अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। भैया सुनना, क्यों भैया 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 एक रखो अभी है ना। आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे वरिष्ठ आदरणीय टीएस महाराजा साहब का भी आगमन हो चुका है, और आज इस कार्यक्रम में गुजरात से आए हुए हमारे वरिष्ठ विधायक और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य आदरणीय अश्विन कोतवाल साहब यहां उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए मैं महेंद्र छाबड़ा जी से निवेदन करता हूं कि उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करें। आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लासमय कार्यक्रम के लिए, उद्बोधन के लिए हम सबके आदरणीय रविंद्र भैया जी से निवेदन है कि आज हम सबको एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी हम सबको देंगे और मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के
परम आदरणीय श्री भूपेश जी, मंच में उपस्थित सम्मानी महाराज साहब, आदरणीय अकबर भाई, सम्मानी गुरु जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया, सम्मानीय छाया वर्मा जी, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के आदरणीय पूर्व सदस्य सम्मानी कोतवाल साहब, शैलेश जी, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी माननीय पदाधिकारीगण, भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानी भूपेश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं एक साल पूरा होने पर। सम्मानी साथियों, सारी बातें अभी होंगी, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, दो तीन बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। जैसे ही आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद आज 17 दिसंबर एक साल पूरा हुआ, पहली बार लोगों को लगा कि अध्यक्ष के रूप में जन जन तक पहुंचने वाले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी, संगठन के प्रभारी और अध्यक्ष के रूप में जितना काम में उसके कार्यकर्ताओं से तक पहुंच के काम करते थे, आज प्रदेश के मुखिया बन के उससे भी ज्यादा सक्रिय और कांग्रेस जनों के बीच में उतना ही मेहनत से काम करते हैं। 17 तारीख पिछली बार सरकार का गठन हुआ, चुनाव हुआ था, 1 नवंबर से पिछले बार धान की खरीदी शुरू हुई थी, 20 तारीख 20 नवंबर को हमारा मतदान हुआ था और 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था। लोगों के बीच में जब हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, धान की कीमत 2500 रुपया देंगे, तब लोगों को कितना भरोसा था, इस बात को आप समझ सकते हैं कि 17 दिसंबर तक जब तक भूपेश बघेल की जी की सरकार की शपथ ग्रहण नहीं हुई, किसानों ने अपना धान बेचना बंद कर दिया था। 1.5 महीना इंतजार किया, इतना विश्वास किसी जन नेता को पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ और आज जितनी भी घोषणाएं हुई थी, चाहे छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्जे माफ, 2500 रुपया कुंडल देने की बात, बिजली बिल को हाफ करने की बात, चावल का राशन कार्ड बनाने की बात, 35 किलो चावल देने की बात, किसानों की मदद करने की बात, नौजवानों को रोजगार देने की बात, आदिवासियों की जमीन को वापस करने की बात, यहाँ जितनी भी बातें हम लोगों ने घोषणा पत्र में की थी, वो सारी की सारी घोषणाओं को पूरा करने का श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और एक साल आज पूरा हो गया। प्रेस के मित्र पूछ रहे थे के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है किसानों के बीच में आंदोलन करना चाहते हैं धान की कीमत के बारे में, धान की खरीदी के बारे में। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता अभी जो कह रहे हैं वो लगभग अपने नेता, उनके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बात कह रहे हैं और यही तो लड़ाई है। हम कहते हैं धान की कीमत हम 2500 रुपया देंगे, मोदी कहते हैं धान की कीमत 1815 में मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का आप कोयला खरीदते हो, छत्तीसगढ़ का लोहा खरीदते हो, छत्तीसगढ़ का बिजली लेते हो, छत्तीसगढ़ का सीमेंट लेते हो, छत्तीसगढ़ के चावल को आप क्यों नहीं ले सकते? क्या छत्तीसगढ़ हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मोदी कहते हैं कोयला की जरूरत देश को है, हम ले सकते हैं, आपका खनिज ले सकते हैं, लेकिन आपका चावल नहीं ले सकते। हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ
केवल इतना है, हम अभी भी आग्रह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आंदोलन करने के बजाय अपने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चाहिए कि जो कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उसमें साथ दे, हमारी चावल की खरीदी करे। लेकिन केंद्र इसको नहीं करने जा रहा है। आदरणीय दोस्तों, कृषि के विकास में 8-8 नए कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर के विकास में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के नाम से उद्यानिकी का विश्वविद्यालय, फूड प्रोसेसिंग के नाम पर सुकमा में, कोंडा गांव में, लोहड़ीगुड़ा में मक्का पे आधारित प्लांट, ये सारे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के द्वार खोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सिंचाई को भी दुगना किया जाएगा। अरपा का पानी का कैसे उपयोग हो सके, हसदेव का पानी का उपयोग कैसे हो सके, श्रीनाथ का पानी का उपयोग कैसे हो सके और पैरी के पूरे पानी का उपयोग करके किसानों के खेतों में कैसे डाल सके। हम लोग बजट में ला रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर पहली बार तो लोगों को लगा छत्तीसगढ़ में उनकी अपनी छत्तीसगढ़ वालों की सरकार है, छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता और यहाँ के स्वाभिमान की सरकार है। और भूपेश जी ने हरेली का पर्व शासकीय तौर पे मनाया, तीजा की छुट्टी दी, बाबा गुरु घासीदास जयंती, माता कर्मा जयंती उसकी छुट्टी दी और लगातार गरवा 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 भारी, ये जो हमारे निर्णय है ये छत्तीसगढ़ के विकास की सारी संभावनाओं को खोलने वाले निर्णय है। इसलिए मित्रों, साल भर आज पूरा हुआ, पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि 60% आपका वायदा पूरा हुआ, 80% पूरा हुआ। एक हमारे पत्रकार मित्र ने कहा, आपने ग्राम गांव और किसानों का पूरा वायदा पूरा कर दिया। तो मैंने कहा, आप ही के प्रश्न में आप ही का उत्तर, गांव और किसान का वायदा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया। इसका मतलब 90% गांव और 90% किसान, मतलब है 90% वादा छत्तीसगढ़ में जो आपने कहा सो पूरा किया। इसलिए आदरणीय मित्रों, कांग्रेस के कार्यकर्ता और समूचे छत्तीसगढ़ की जनता का खूब आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। आप सब पहले की ही भांति और उससे द्रुत गति से ज्यादा मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करिए, इस सरकार को मजबूत करिए और कांग्रेस के पक्ष में। अभी हम सब लोगों ने दिल्ली में देखा, हमारे नेता राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय सोनिया जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रूप से लड़ाई जंग का ऐलान किया है, वही देश के हित में है, वही भारत के हित में है, वही कांग्रेस के हित में है, वही हम आप सब के हित में है। हम सबको मेहनत करना है और छत्तीसगढ़ का मॉडल आज सारे देश में जब चर्चा हो रहा है, इस विकास के गति को और आगे बढ़ाना है। पुनः आप सबको भी बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे आदरणीय अतिथियों के अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें व्यस्तता को देखते हुए सभी लोगों को चुनावी युद्ध में शामिल होना है। हमारे बीच गुरु रुद्र कुमार जी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी, उनसे निवेदन है कि आज इस एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमें उद्बोधन देने का कष्ट करें। सबसे पहले तो
मोर तरफ से हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जिला सरकार के एक बरस पूरा हुए के बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ यहाँ पर मंच में उपस्थित पंचायत मंत्री सम्मानित श्री टी एस बाबा जी, वन मंत्री सम्मानित श्री अकबर भाई जी, वरिष्ठ विधायक सम्मानित श्री जमीन साहू जी, राष्ट्रपति सदस्य छाया वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित श्री रामगोपाल जी, नवीन भाई जी, गिरीश भाई जी, उपस्थित सभी विधायकगण, मंच सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस परिवार के साथीगण, इस एक साल की उपलब्धि के साथ साथ आज 17 तारीख है, कल 18 दिसंबर है, परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के कल जयंती है, तो बाबा जी के जयंती के भी आप सब जनला एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और मैं परम पूज्य बाबा जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि अपन असीम कृपा हम मन सबके ऊपर बना के रखे, और जो तरीका से हमारी पार्टी अब पिछले विधानसभा चुनाव में उतरे रही अपन जन घोषणा पत्र लेके जिला आज की तारीख में पूरा जनता भी माना थे कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बोलते वो करके दिखाते, जिकर सबसे बड़ा गवाह है हमारा। सुदेव आपको मध्य प्रदेश के इंदौर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ, आज मध्य प्रदेश सरकार का एक साल पूरा हो गया और इस मौके पर सीएम कमलनाथ विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, कार्यक्रम में पूर्व सीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही कमलनाथ कैबिनेट के सभी मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। आज एक वर्ष पश्चात श्री कमलनाथ की सरकार ने अपने अन्य वादों को पूरा करते हुए अनेक योजनाएं लागू की है, जिससे आज जनमानस बहुत खुश है और उन्हें एक खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार होता हुआ नजर आ रहा है। श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के दो मुख्य स्तंभ हैं, शासन की पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता। ऐसी ही एक पहल है आपकी सरकार आपके द्वार। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहाँ की 74% आबादी गांव में निवास करती है। यही कारण है कि इस सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु यहाँ के किसान है, जिनके लिए सरकार ने अनेक नई योजनाओं की पहल की है। ब्लॉक्स में फैली समस्त आदिवासी आबादी के लिए अनेक लाभप्रद योजना है। प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को और उत्तम बनाना वर्तमान सरकार का दूसरा मुख्य केंद्र बिंदु है। इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। और भी बहुत अच्छा काम होगा, इस उम्मीद के साथ अपनी शुभकामनाएं भी आप सभी को देता हूं। 17 दिसंबर 2018 माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ देने के साथ छत्तीसगढ़ में नई सरकार की शुरुआत हुई, और चुनाव के पहले जो वायदे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे उसको पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। चुनाव के पहले कहा गया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, राशन कार्ड में सभी परिवारों को लाकर राशन दुकानों के जरिए चावल देंगे, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे,
तेंदूपत्ता का बोनस 2500 से पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 करेंगे। ये प्रमुख वायदे थे, इसके अलावा छोटे छोटे वायदे और भी हैं। 17 तारीख को शपथ ग्रहण के साथ ही सबसे पहला काम कर्जा माफी हुआ। 10000 करोड़ का कर्जा माफी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 80,38,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 20000 करोड़ का भुगतान हुआ। तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक 2500 से बढ़ा के 4000 किए, 603 करोड़ का भुगतान हुआ। बिजली बिल हाफ, 900 करोड़ का भुगतान हुआ। और सबको 35 किलो चावल देने की बात जब की जा रही थी तो बहुत लोगों को संदेह था कि सबको चावल देंगे कि नहीं देंगे। हम लोगों ने ऐलान किया था कि परिवार चाहे गरीबी रेखा के नीचे हो, परिवार चाहे गरीबी रेखा के ऊपर हो, जितना भी पैसा लगेगा सारे लोगों को राशन कार्ड के दायरे में लाना है। शासकीय कर्मचारी है तो भी, इनकम टैक्स पे ही है तो भी, और सबको राशन दुकानों के जरिए चावल उपलब्ध कराएंगे। एक कार्यक्रम में चुनाव के समय जब राशन दुकानों के बारे में जानकारी दी जा रही थी तो एक व्यक्ति आकर पूछा, उन्होंने कहा कि आप सबको राशन कार्ड देने की बात कर रहे हैं तो क्या कोटवारों का भी राशन कार्ड बनाएंगे क्या? कवर्धा की बात है तो मैंने कहा कि भाई हम कोटवार नहीं, हमारी घोषणा सबके लिए है, कोटवार नहीं हम कलेक्टर का भी राशन कार्ड बनाएंगे, सारे लोगों को राशन कार्ड बना के देंगे। बजट में 4000 करोड़ की मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ का